हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 7108 पदों के लिए रिजल्ट मई में आएगा। 37,335 पद है रिक्त, 24,000 हुए उत्तीर्ण। उर्दू, संस्कृत एवं विज्ञान विषय का रिजल्ट आना बाकी। ये एसटीईटी जो हुआ 2019 में उससे रिलेटेड है। एसटीईटी 2019 से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के तहत 37,335 पदों पर बहाली होनी थी। 9वीं-10वीं के लिए 25,270 और 11वीं-12वीं के लिए 12,065 पद थे। कुल 37,335 पदों में 3 विषय उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को छोड़ दें तो 30,155 पदों के लिए 24,599 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को मिलाकर 7108 पदों पर रिजल्ट आना अभी बाकी है, जो मई के पहले हफ्ते में आएगा। इसमें उर्दू के 1,000, संस्कृत के 1054 और विज्ञान के 5054 पद शामिल है। बिहार बोर्ड की माने तो 28 जनवरी 2021-2020 की ऑफलाइन परीक्षा में 106 अभ्यर्थी को परीक्षा से अलग कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इन 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 अप्रैल को ऑनलाइन ली जाएगी। इसके बाद इन 3 विषयों का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी होगा। कोटी के अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट बनी थी। एसटीईटी 2019 के लिए विषयवार रिक्तियों पर कोटी और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन 50% अंक पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य था। तो ये जो 106 के पद के लिए एग्ज़ाम होगा और जो और सब्जेक्ट है जिसका, जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत और विज्ञान, इसका रिजल्ट जो बाकी है तो टोटल 7101 पद है। तो इसका एग्ज़ाम होगा और मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका जो नियोजन की प्रक्रिया है वो फिर शुरू होगी, जब छठे चरण का नियोजन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद।